Hello students, good morning. Today in this video I am going to explain your poem After a Bath. So let us start. After my bath I try. अपने नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ, करता रहता हूँ to wipe myself till I am dry. तब तक जब तक कि मैं पूरी तरह से सूख ना जाऊँ. मैं वाइप करता हूँ, अपने आप को रगड़ता हूँ तब तक जब तक कि मैं सूख ना जाऊँ. हैंड्स टू वाइप, हाथों को वाइप करता हूँ. एंड फिंगर्स एंड टोज, अपनी उंगलियों को पोंछता हूँ, पैरों के अंगूठों को पोंछता हूँ. एंड टू वेट लेग्स, और दो भीगे हुए पैरों को भी पोंछता हूँ. एंड अ शाइनी नोज, और एक चमकती हुई नाक को पोंछता हूँ. जस्ट थिंक, जरा सोचो, हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक, कि मैं कितना कम समय यूज़ करता हूँ. इफ़ आई वर अ डॉग, अगर मैं एक डॉग होता. एंड कुड शेक, तो मैं अगर एक डॉग होता तो मैं अपने आप को शेक कर सकता था, यानी हिला सकता था. नाउ लेट अस टॉक. डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, क्या आपको नहाना पसंद है. से वाई, बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप अवर सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी, क्योंकि हम अपने आप को हेल्दी और क्लीन रखना चाहते हैं, इसलिए बात पसंद करते हैं. कैन यू बाथ योर सेल्फ, क्या आप खुद से नहा सकते हो. येस. हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, आप अपने आप को ड्राई कैसे करते हो, यानी आप नहाने के बाद अपने आप को सुखाते कैसे हो. वी यूज़ टॉवल. आई हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट्सेल्फ, क्या आपने कभी किसी एनिमल को अपने आप को सुखाते हुए देखा है. इफ़ यू सी यू कैन राइट येस, अदरवाइज नो. नाउ लेट अस शेयर. थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, मतलब नहाने के बाद आप पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर ए बाथ, नहाने के बाद आप क्या करते हो. अपनी गीली टॉवल को फर्श पर फेंक देते हो, या हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, गीली हुई टॉवल को सूखने के लिए आप हैंग कर देते हो. जो अकॉर्डिंग टू यू, यू विल सर्कल हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई. Now, come on, let us do. Match the following to make pairs. One has been done for you. Needle, thread, bat, ball, socks, shoes, shirt, shorts, bowl, and spoon. In this way, your chapter is completed, and I will explain your new chapter in my new video. Till then, thank you and have a nice day.